खबर जनपद सहारनपुर के कस्बा नकुड़ से है, जहां ब्लॉक परिसर में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में ग्राम पंचायत चाऊ, सहसपुर, कुलहेड़ी, तिगरी, रामगढ़ व सरासका से कई महिलाओं व पुरुषों ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रम्या आर को प्रार्थना पत्र देकर ग्राम पंचायत सचिव पर सत्यापन के बाद पीएम आवास योजना की सूची से नाम काटने का आरोप लगाया। नूरी, परवीन व शन्नू आदि महिलाओं ने बताया कि उनके मकान की कच्ची छत होने के बाद भी पीएम आवास योजना से उन्हें वंचित कर दिया गया। ग्राम प्रधान ने ग्राम पंचायत सचिव पर मनमानी करने का आरोप लगाया और कहा कि सेक्रेटरी ने पात्र व्यक्तियों को सरकार की आवास योजना से वंचित कर दिया। उन्होंने उच्च अधिकारियों से पीएम आवास योजना के अंतर्गत दोबारा जांच कर पात्र व्यक्तियों का नाम सूची में दर्ज करने तथा ग्राम पंचायत सचिव के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने की मांग की। इस मौके पर ग्राम प्रधान संगठन के अध्यक्ष संजय प्रधान, मेहरबान प्रधान, नरेंद्र प्रधान, सम्राट सिंह प्रधान व मुरसलीन प्रधान आदि मौजूद रहे। सहारनपुर से हसीब खान की रिपोर्ट। क्या नाम है जी आपका? राकेश। कौन से गांव के रहने वाले? चाऊ सहसपुर से। क्या मामला हुआ जो आप समाधान दिवस में आज? हम हमारे मकान थे प्रधानमंत्री आवास योजना के, 2011 में लिस्ट बनी थी, वह सेक्रेटरी साहब ने जाकर खारिज कर दिए। कौन है सेक्रेटरी, क्या नाम है? गौरव बाल। तो मकान काट दिए उन्होंने? हाँ जी। कितने मकान काटे, कितने लोग? सब लोग काटे क्या? 7 मकान काट दिए जी हमारे चाऊ सहसपुर। भाई आपका नाम? संजय कुमार है जी। कौन से गांव के रहने वाले? सिरसका है जी। क्या मामला हुआ जो आप समाधान दिवस में आया? अजी मकान कट गए जी मेरे, 6-7 मकान काट दिए जी। छः सात मकान काट दिए? हाँ जी। अच्छा, किसके द्वारा काटे गए, किस पे आरोप लगा रहे हैं आप? जी सेक्रेटरी साहब ने काटे जी। क्या नाम है सेक्रेटरी साहब का? गौरव पास। आप SDM से मिले ना जी समाधान दिवस में? SDM साहब ने आपको क्या कहा, क्या आश्वासन दिया? SDM साहब ने भी यही कहा जी आपका संविधान होगा जी। अच्छा, क्या नाम है जी आपका? जी परवीन। कौन से गाँव के रहने वाले? जी तिगरी। आज यहाँ समाधान दिवस में आए जी, किस बात को लेकर आना हुआ जी? मकानों के समय क्या हुआ मकान का जी? मकान चढ़ रहे थे, परसों पटवारी गए, उन्होंने काट दिए। सेक्रेटरी ने काट जी। मकान कच्चे है, मट्टी के बिल्कुल, ईंट कोई नहीं है, बिल्कुल कच्चे है। लिस्ट में नाम है तुम्हारे? जी लिस्ट में नाम था जी। लिस्ट में सबके नाम है जी? जी लिस्ट में सबका नाम था, तो कट गया है। अब हमारे मकान बिल्कुल मट्टी के कच्चे है। क्या बताया गया, किस वजह से कटा गया सूची से नाम? जी कुछ नहीं बताया, वो तो देख आया, फोटो ले आया, तो यहाँ सुना तो कट गया। जी मेरा नाम जसमेर सिंह है और सिरसका से प्रधान है हम लोग। आज हम बड़ी समस्या में घिरे हुए हैं 2 दिन से। हमारी समस्या ये है, अभी 2 दिन पहले हमारे गौरव भाल सेक्रेटरी को यहाँ चार्ज लिया है, लेकिन इस सेक्रेटरी ने जैसे भी चार्ज लिया, नहीं किसी ग्राम प्रधान से बात हुई, ग्राम पंचायत के सदस्य भी चुने जाते हैं, जनप्रतिनिधि लोग हैं, किसी से आदमी ने बात नहीं की। इसे तुरंत आ करके हमारे पूरे क्लस्टर में जा करके 40 मकान को काटने का काम किया। हमारे क्लस्टर में 11 गांव हैं और 11 गांव में से हमारे 55 मकान थे, और वो ऐसे मकान थे साहब जिसमें जब शुरुआत में उनको प्रस्तावित किया गया 10 साल पहले, वो 200 में से 150 हुए, 150 में थे वो, फिर जो है 100 हुए, ऐसे कटते कटते वो 9-9, 11-11, 10-10 मकान बचे थे। उन लोगों को ये आशा थी कि जब भी बनेंगे, लेकिन इस आदमी ने बिना हमारे पूछे, बिना ग्राम सभा का प्रस्ताव करे आकर के तुरंत मकानों को डिलीट करने का काम किया। ये लोकतंत्र की हत्या है। ग्राम प्रधान के होने के नाते हम आपसे कहना चाहते हैं मीडिया बंधुओं से कि या तो इन सेक्रेटरों से अपना काम करा लें, गाँव में जाके प्रधानों की ज़रूरत ही नहीं है, इन सेक्रेटरों से काम करा लें। दूसरी बात यह है, नकुड़ ब्लॉक की हमने लिस्ट निकलवाई, हमारे भास्कर लेखाकार जी हैं, अकाउंटेंट साहब हैं, BDO से हमने बात की, भाई पूरे ब्लॉक की लिस्ट हमें चाहिए, कितने पात्र हैं, कितने अपात्र हैं। हमारे पूरे ब्लॉक में से 23 मकान अपात्र पाए गए और हमारे अकेले क्लस्टर में से 55 मकान थे, 40 अपात्र पाए गए। हम पूछना चाहते हैं यहाँ के BDO साहब से, माननीय SDM साहब जी से, कि जो पात्र मकान हैं, क्या सेक्रेटरी के पास कोई गवर्नमेंट की गाइडलाइन थी कि ये जो पात्र बनाए किस वजह से पात्र बनाए, और जो अपात्र हैं ये किस वजह से अपात्र बनाए, इसकी हमें जांच चाहिए। और ये जो हमारा सेक्रेटरी है ये बिल्कुल मेंटल है, इसने कल हम लोगों से कहा
कि हम जो चाहेंगे वो करेंगे। बुलंद शहर में भी हमने ऐसा ही किया है। आप गांव के प्रधान हैं होंगे, पर हम सेक्रेटरी हैं, हम अपने नज़रिए से काम करते हैं। इसका गंदा रिकॉर्ड है, ये असभ्यता से बात किया इसने कल भी, हमारे सभी ग्राम प्रधानों को जो है ठेस पहुंचाने का काम किया है। तो हम सरकार से भी मांग करते हैं, आदरणीय CDO साहब से मांग करते हैं, जो हमारा जिले का मुख्य विकास अधिकारी है, हम अच्छे से अच्छा हमारे क्लस्टर में सेक्रेटरी देने में का काम करें, और इस सेक्रेटरी के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करके उसको सस्पेंड करने का काम करें। ये हमारी